खबरों का विस्तार, पहले एक नजर हेडलाइंस पर। मोहम्मद इमरान है सबसे गरीब प्रत्याशी खजुराहो से। रेत का अवैध परिवहन करते ट्रैक्टर ट्राली जब्त। गौ माता का पूजन कर समाज सेवियों का किया सम्मान। महागठबंधन उम्मीदवार उपेंद्र कुशवाहा के पक्ष में जनसंपर्क। अब खबरें विस्तार से। खजुराहो लोकसभा से प्रत्याशी मोहम्मद इमरान ने अपने हल्फनामे जानकारी में अपनी पत्नी की संपत्ति जोड़ा जाए तो लगभग 3 लाख होती है। मोहम्मद इमरान ने अपनी शिक्षा BCA सरस्वती कॉलेज छतरपुर से की है और वह मोबाइल शॉप एवं फोटो वीडियोग्राफी का काम करते हैं। राजनगर विधानसभा से 2 बार तथा पिछले लोकसभा चुनाव 2014 में प्रत्याशी रह चुके हैं, इसलिए लोग इमरान को नाम से जानते हैं। इमरान अपना प्रचार बाइक से भी करते लोगों के बीच जाते हैं। लोगों का झुकाव मोहम्मद इमरान की तरफ लगातार बढ़ता ही जा रहा है। देखना होगा क्या कुछ कर पाते हैं। आज उन्होंने दर्जनों गांव का दौरा किया और वोट देने की अपील की। आज भी यह प्रचार हो रहा है, यहाँ पे सभी लोग उपस्थित हैं और सबका। छतरपुर जिले बिजावर अनुविभाग के अंतर्गत खैरा कला पुलिस चौकी के पास अवैध रेत का परिवहन करते नवागत तहसीलदार परशुराम गुप्ता ने एक महिंद्रा ट्रैक्टर ट्राली जब्त की है। ज्ञात हो कि सत्ता परिवर्तन के बाद से ही क्षेत्र में शराब माफिया, भू माफिया, रेत माफिया, जुआ माफिया ज्यादा सक्रिय नजर आ रहे हैं। नवागत तहसीलदार के प्रभार संभालते ही कार्यवाही से रेत माफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है। हर तहसीलदार के मुताबिक क्षेत्र में अवैध रेत माफियाओं के खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी रहेगी। मैं सामान भ्रमण पर निकला हुआ था जटा शंकर की ओर, तो एक ट्रैक्टर जो है बजरी रेत का भरा हुआ दिखाई दिया सड़क पर। मैंने उसको पकड़ लिया, उसका प्रकरण बना के और मैं जो है उस पर कार्रवाई करूँगा। ये लगातार इस क्षेत्र में अवैध उत्खनन चल रहा है, इस पे राजस्व की ओर से क्या कार्रवाई की जाएगी? लगातार जो है उसको निगरानी में रखा जाएगा। यदि इस तरह की कोई कार्रवाई जो है पाए जाएंगे तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। छतरपुर जिले के नौगांव तहसील अंतर्गत धौरना रोड पर स्थित गौशाला में नव नियुक्ति गौ सेवा समिति अध्यक्ष प्रियंका महाजन साहू द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें गौ माता की आरती कर पूजन किया। साथ ही कार्यक्रम में नगर के एक दर्जन समाज सेवियों का सम्मान किया गया। वहीं श्री राधा कृष्ण गौ सेवा समिति के अध्यक्ष द्वारा प्रियंका महाजन साहू को गौ सेवा समिति का अध्यक्ष बनाया गया। गौशाला में आज किस तरह के कार्यक्रम का आयोजन किया गया? श्री राधा कृष्ण गौ सेवा समिति द्वारा आज मुझे अध्यक्ष बनाया गया, जिसमें हमने एक कार्यक्रम का आयोजन किया। उस आयोजन में हम सबने मिलकर गौ माता की पूजा की और हमारे द्वारा नगर के सभी समाज सेवियों का सम्मान किया गया। बिहार समस्तीपुर जिले के उजियारपुर में महागठबंधन उम्मीदवार उपेंद्र कुशवाहा के पक्ष में राष्ट्रीय लोक दल समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी स्नेहलता के साथ सेक्टर प्रभारी बिहारी पासवान प्रदेश संगठन सचिव ने दर्जनों गांव का जनसंपर्क कर बैठक की, जिसमें महागठबंधन उम्मीदवार उपेंद्र कुशवाहा को वोट देने की अपील की। उनके हाथों को हम लोग भविष्य दें और जिस तरह से युवा की भविष्य मोदी जी बोल रहे थे कि 2 करोड़ युवा को कि हम 15 लाख का सालाना देंगे, आप लोग जानते हैं। हम तो एकदम सते हुए हैं, मुरबा के जो हम बासी हैं हम एकदम सते हुए हैं। इसलिए हम खास तौर पर ये जो रविदास टोले की महिला है उनसे मैं अपील करने के लिए आऊँ, जो अब नहीं कहेंगे जो नेताजी नहीं आए, नेताजी की पत्नी ही आ गई और नेताजी भी फतेहपुर में मीटिंग कर लिए थे। इसीलिए आप सब लोग यही पंखा चाहते हैं।